हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिंपल ब्लॉग्स विद शालिनी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबसे यहां पे शेयर करने वाली हूं एक प्रोडक्ट का रिव्यू। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ओडोनिल का रूम फ्रेशनर, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा ओडोनिल का रूम फ्रेशनर है और जिसका फ्लेवर है वो सैंडल का यानी चंदन का। तो काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, जब भी इसको रूम में हम स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छे से इसकी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत फ्रेश सा फील होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी लिखी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर इसका प्राइस वगैरह और इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज़ किया है, तो काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस रहती है। काफ़ी अच्छा सा को जब रूम में हम स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छा सा फ्रेश सा फील होता है। और इसी में ये हमारा दूसरा है ओडोनिल का ही, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो चेंज है, लेवेंडर का है। तो लेवेंडर की तो बात ही अलग होती है, काफ़ी अच्छी इसकी भी फ्रेग्रेंस रहती है। तो सेम क्वांटिटी इसकी भी है और यहाँ पर प्राइस भी इसका सेम ही है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी इसकी यहाँ पर फ्रेग्रेंस दी है और ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर दिया गया, यहीं से आप स्प्रे करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा जो रूम फ्रेशनर है वो यहाँ पर इस तरह से ये स्प्रे होता है। तो काफ़ी अच्छी इसकी यहाँ पर जो हमारा ये वाला है लेवेंडर वाला, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है आपको, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे होल है, इसी से ये जो हमारा स्प्रे है वो यहाँ पे इसे स्प्रे करते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए। तो इसमें जो ये हमारा सैंडल का है इसकी भी जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो लेवेंडर है उसको मुझे ज़्यादा पसंद है, जो लेवेंडर वाला है, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं इसको मैंने पैक ऑफ टू टू ऑर्डर किया था, तो पैक ऑफ टू ये हमारा लेवेंडर वाला भी था और जो हमारा सैंडल का है वो भी पैक ऑफ टू था। तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर मुझे फ्लिपकार्ट से ये मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये हमारा ओडोनिल का रूम फ्रेशनर। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स ये गोदरेज का, तो ये भी हमारा रूम फ्रेशनर ही है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस रूम फ्रेशनर की, तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही लाइट रहती है। अगर हम कंपेयर करें ओडोनिल से, तो ओडोनिल की जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग है एट कंपेरिजन टू गोदरेज की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसकी जो एक्सपायरी वगैरह लिखी है यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर इसका प्राइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 150 यहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ है। तो इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज़ किया, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे ये मिला। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी सील है, इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया, मैंने एक ही यहाँ पर ओपन किया है। तो अगर हम बात करें इन दोनों रूम फ्रेशनर की, तो अगर आप मुझसे सजेशन लेना चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ पर ओडोनिल ही कहूँगी, क्योंकि उसकी जो फ्रेग्रेंस है थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग है एट कंपेरिजन टू गोदरेज। तो वो उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ा सा रहती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, मतलब थोड़ा जैसे अगर आप उसको रूम में अपने स्प्रे कर रहे हैं तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है विद इन 10 to 15 मिनट्स ही रहती है। और जो हमारा गोदरेज वाला है इसकी तो 5 मिनट्स ही रहती है। तो इस कुछ इस तरीके से ये हमारे सारे रूम फ्रेशनर हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रूम फ्रेशनर है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ओडोनिल का और गोदरेज का, तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी सारी डिटेल बता दी, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है ये भी मैंने आपको बता दिया, इसकी फ्रेग्रेंस वगैरह की सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आप सबको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।